नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं विकास कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और जो कि ज़्यादातर वीडियो हमारी आर्किटेक्ट से रिलेटेड होती हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमने पहले जो वीडियोस बनाई है वो हमारी काफ़ी वीडियो जो स्वीट होम 3D और स्केचअप के ऊपर थी, और मैंने स्केचअप के ऊपर भी काफ़ी हिंदी में ट्यूटोरियल बनाए हैं, और मेरे हिसाब से हमने काफ़ी ट्यूटोरियल्स सीखने के लिए जो काफ़ी हैं बना दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ अब हम किसी नए सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्यूटोरियल स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है आप लोगों ने राय लेने के लिए मैंने बनाया है, और आगे जो मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आऊँगा वो आर्किकैड के ऊपर लेके आऊँगा। मैंने एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है मेरे कंप्यूटर में जिसका नाम है आर्किकैड। वो स्पेशली फॉर आर्किटेक्ट्स के लिए है। उसके अंदर हम सिर्फ आर्किटेक्चर से रिलेटेड वर्क ही कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, स्केचअप के अंदर तो हम किसी भी चीज़ का 3D डिज़ाइन बना सकते हैं, और उससे पहले जो मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्यूटोरियल स्टार्ट किए थे वो था हमारा स्वीट होम 3D। वो एक बेसिक छोटा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम छोटे डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है आर्किकैड, इसके अंदर हम और डिटेलिंग के अंदर सीख सकते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आर्किटेक्चर का जो सॉफ्टवेयर है आर्किकैड, उसके बारे में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको आज आर्किकैड सॉफ्टवेयर के कुछ बेसिक फीचर या उस से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। उसकी जो मतलब व्यू है उसका, वो किस तरह का दिखता है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है और वो किस तरह से काम करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम उसी के ऊपर ट्यूटोरियल बनाएंगे, और उसकी बेसिक जो सभी ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं बेसिक होंगे, जो जिसकी हेल्प से आप उसके बारे में उसके बेसिक्स को सीख सकेंगे, और ये ट्यूटोरियल्स हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। और यदि आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और फिर आगे से हम इसी के ऊपर ट्यूटोरियल्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। शो फ्रेंड्स, तो मैं आपको आर्किकैड 19 का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और आगे से हम आर्किकैड 19 के बेसिक ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, जिन ट्यूटोरियल को देख के आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी सीख सकेंगे बड़ी ही आसानी से। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, और जब तक ये ओपन होता है तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। सर, ये ग्राफसॉफ्ट कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है। आर्किकैड 19 वर्जन है ये, आर्किकैड का मान लीजिए 19वां वर्जन है इसका, और ये 64 बिट में है। इसको रन करने के लिए आपकी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, वरना ये थोड़ा स्लो चलेगा। मेरे पास भी ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ, मेरे पास भी i5 कंप्यूटर है, तो थोड़ा स्लो चलेगा ये, लेकिन हम काम चला लेंगे, और हम थोड़ा स्लो ही काम करेंगे ताकि हमारा कंप्यूटर हैंग ना हो, और हम इसके बारे में धीरे धीरे से सीख लेंगे। तो चलिए, मैं आज आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और आगे से हम इसी के ऊपर ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम जैसे कि हमारे स्केचअप में टेम्पलेट्स ओपन होते हैं, सबसे पहले हम टेम्पलेट्स चूज करते हैं। ऐसे कुछ विंडो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, और यदि पहले से हमारा कोई प्रोजेक्ट जो हमने सेव कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे एक इंट्रो के नाम से मैंने सेव कर रखा है, तो हम पहले का प्रोजेक्ट भी हम यहीं से ओपन कर सकते हैं, और यदि हम नया प्रोजेक्ट ओपन करना चाहें यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो चलिए, इसको ओपन होने देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, लेकिन बहुत ही अच्छा और काफ़ी डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है आर्किटेक्चर के ऊपर ये। इसके अंदर हम दोनों के अंदर काम कर सकते हैं, 2D के अंदर भी काम कर सकते हैं और 3D के अंदर भी काम कर सकते हैं। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे को एक ऐसी खासियत लगी, इसीलिए मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि हम स्वीट होम 3D के अंदर काम करते हैं, हमें 2D के अंदर काम करते हैं, 3D के अंदर काम नहीं कर सकते, लेकिन ये मात्र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम 2D और 3D दोनों के अंदर काम कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे आपको डिस्प्ले ओपन हुई है हमारी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसको जूम किया है, माउस के व्हील से हम इसको जूम इन और आउट कर सकते हैं जैसा कि हम स्केचअप के अंदर करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा वर्किंग एरिया होगा, जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ से मैं राइट साइड में जाता हूँ, राइट साइड में इसका आपको नेविगेटर मिलेगा। देखिए, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, और उसके बाद है फर्स्ट स्टोरी और सेकंड स्टोरी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसा कि वो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, राइट साइड में जो हमारा नेविगेटर होगा, सबसे ऊपर इसके अंदर है जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, यानी कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर। यहाँ राइट साइड में हमको ये जो नेविगेटर है, इसके अंदर हमको अलग अलग फ्लोर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा वर्किंग एरिया है, इसके अंदर आपको ग्रिड दिखाई दे रही है, हम चाहे तो इनको इनविजिबल कर सकते हैं। यहाँ से व्यू में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड डिस्प्ले पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे अंदर की सभी ग्रिड्स चली जाएंगी, और हमें वर्किंग
एरिया मिलेगा जो कि क्लीन थोड़ा एरिया मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको 3D में और 2D में कैसे काम करेंगे। सबसे पहले जैसे हमारा यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई फ्लोर प्लान क्रिएट करना है, तो सिंपली यहाँ से हम वॉल टूल पे क्लिक करेंगे, हमारा वॉल टूल हमें मिल जाएगा देखिए, और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी वॉल की सेटिंग्स यहाँ से ओपन हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार चीज़ और बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम काम स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर में आपको पता है, जो हमारी वर्किंग यूनिट्स हैं हम उसको सेट करते हैं। ये अभी फिलहाल मिलीमीटर्स के अंदर है, तो हम इसको फीट और इंच के अंदर करेंगे। ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट प्रीफ्रेंस के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम वर्किंग यूनिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये मिलीमीटर के अंदर है, इसको हम फीट एंड इंच के अंदर करेंगे। देखिए फीट एंड डेसिमल इंच इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ओके क्लिक करेंगे। फिर से हम ऑप्शन के अंदर जाएंगे और हमारी जो है प्रोजेक्ट प्रीफ्रेंस के अंदर जाएंगे और यहाँ से डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हमारी डायमेंशन फीट और इंचज के अंदर हो। तो इसको भी हम यहाँ से मिलीमीटर से हटा के फीट एंड डेसिमल इंचज के अंदर कर लेंगे, उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक्स के बारे में इसके बता देता हूँ। ये एक इंट्रोडक्शन है, कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट हम नहीं बना पाएंगे, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सिंपली हम वॉल टूल पे क्लिक करेंगे, यदि हम इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ से हम हमारी वॉल की हाइट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है 10 फीट और 2 इंच हाइट सेट है वॉल की, और जो इसकी वॉल की थिकनेस है मैं आपको बता देता हूँ थिकनेस कितनी है। यहाँ पे ये देखिए 1 फीट इसकी थिकनेस है। हम चाहे तो इसकी थिकनेस को भी हम चेंज कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम इसको रहने देते हैं ऐसे ही, वो हम डिटेल में आगे सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा इसके अंदर वर्क करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। मान लीजिए हमने यहाँ से वॉल टूल एक्टिवेट किया और उसके बाद यहाँ पे आपको एक आइकन मिलेगा, यहाँ से हम देखिए इस पर थोड़ा प्रेस करके रखेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ से ये देखिए एक तो पॉलीगन है, एक सिंगल वॉल है। यदि मान लीजिए हमको सिंगल वॉल क्रिएट करनी है तो ये देखिए इस तरह से सिर्फ सिंगल वॉल ही क्रिएट होगी। और यदि हम मैं आपको एक और कंट्रोल जिसे फिर से उंडो करता हूँ और फिर से हम इसको यहाँ से पॉलीगन जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे फ्लोर प्लान हमको बनाना है, ये देखिए इस तरह से, सॉरी मैं कंट्रोल जिसे उंडो कर लेता हूँ एक बार, एस्केप करेंगे प्रेस, ये देखिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इस तरह से हम इसको वॉल क्रिएट कर सकते हैं। और आपको जैसा कि डिस्टेंस में आपको दिखाई दे रहा हो, वॉल की जो है लंबाई आपको साथ में आपको दिखाई देगा, ये देखिए जैसे 50 फीट की इसकी लंबाई हो चुकी है। इस तरह से इसका एंगल, और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा सकता तो अच्छा रहता, ये देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है डिस्टेंस 51 फीट 4 इंच और एंगल 1.33 डिग्री, यानी कि अभी थोड़ी टेढ़ी है हमारी वॉल, इसलिए यहाँ पे जब हम वॉल को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो साथ में हमें वॉल की जो है साइज़ और थिकनेस दोनों एक साथ दिखाएगा। तो मैं एक बार एस्केप कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इस तरह से हम वॉल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए सिंपली जैसे हम बाकी के सॉफ्टवेयर में, जैसे हमारा स्वीट होम 3D है उनके अंदर वॉल्स को हम क्रिएट करते हैं, इसी प्रकार हम इसके अंदर भी वॉल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अलग क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जैसे 2D पोर्शन है, उसके अगला जो यहाँ पे है ये देखिए 3D। अब ये जो हमारा पोर्शन है 3D का है, और ओ प्रेस करेंगे तो हमारा ऑर्बिट टूल इसके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, जैसा ऑर्बिट टूल हमारे स्केच के अंदर होता है। तो ये देखिए ये हमारा 3D एरिया है। लेकिन जो इसके अंदर अलग चीज़ है जो मेरे को सबसे अच्छी लगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हम 3D के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए 3D के अंदर ही हमें इसके अंदर वॉल क्रिएट करनी है तो हम कर सकते हैं। फिर से हम वो प्रेस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंगल वॉल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नीचे से स्टार्ट करेंगे बनाना वॉल। तो ये देखिए ये देखिए सो फ्रेंड्स आपको जैसे दिखाई दे रहा है हम इसके अंदर 3D के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से फिर से इस तरह से हम ये देखिए इस प्रकार इस सॉफ्टवेयर में हम 3D के अंदर भी काम कर सकते हैं। देखिए हमने 3D के अंदर वॉल को क्रिएट किया है और अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर जाकर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारी वॉल क्रिएट हो गई है। और सेम उसी प्रकार जैसा कि बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, यदि मान लीजिए हमें इसके अंदर कोई डोर इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अलग अलग टाइप के डोर्स मिलेंगे। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं ओके करूँगा तो इस प्रकार हम ये देखें
यहाँ पे एक डोर इंसर्ट कर सकते हैं, इसकी साइड भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम 3D के अंदर जाके देखेंगे तो ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे डोर इंसर्ट हो गया है इस तरह से। और यदि हम 3D के अंदर डोर इंसर्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का जो मेन मेरे को बेनिफिट लगा, ये सभी सबसे अच्छा बेनिफिट लगा कि हम इसको 2D में भी काम कर सकते हैं और 3D में काम कर सकते हैं। ये देखिए हम मान लीजिए इसके अंदर कोई विंडो इंसर्ट करके देख लेते हैं, उसी प्रकार डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, मान लीजिए ये ले लेते हैं एक बार के लिए उदाहरण के तौर पर, और यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखिए 3D के अंदर भी हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर विंडो इंसर्ट हो गई है, तो ये देखिए हम इसको नीचे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेनिफिट है इसके अंदर, हम 3D के अंदर और 2D के अंदर काम कर सकते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर हमें रूफ लगानी है और नीचे फ्लोर लगाना है, तो हम 3D सबसे पहले मैं आपको फ्लोर लगा के दिखाता हूँ, वो हम ग्राउंड फ्लोर की हेल्प से लगाएंगे। मान लीजिए हमें इसके अंदर फ्लोर इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से स्लैब लेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको स्लैब का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से हम इस तरह से ये देखिए इस पर फ्लोर लग चुका है। हम 3D में जाके देखेंगे, ये देखिए इस पे यहाँ पे फ्लोर लग चुका है। और उसी प्रकार हम 3D के अंदर भी स्लैब का यूज़ करके हम इसके ऊपर रूफ वगैरह लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से स्लैब लेंगे और यहाँ से कॉर्नर से हम ये देखिए यहाँ पे राइट का निशान आ गया, तो हम इस तरह से ये देखिए थोड़ा बाहर निकाल देते हैं स्लैब को, ये देखिए इस तरह से इस सॉफ्टवेयर के अंदर 2D और 3D हम दोनों के अंदर काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जो थोड़ा इंट्रोडक्शन था आर्किकैड के बारे में। आगे से हम इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका अपना दोस्त विकास कुमार, जय हिंद, वंदे मातरम।